चैनल डांसर सनातन में आप सभी का स्वागत है। अभी स्टार्ट किए हैं हमारे तालाब आए नहाने के लिए और दतवन के लिए संघर्ष हो रही है। खजूर का दतवन तो देख सकते हैं कितना काटा है इस पे, और इसी को भी दतवन बनाएंगे, अच्छा लगता है इसीलिए खजूर का दतवन है। तो चुकी दतवन इधर से आए हुए तालाब, ये भी नहाएंगे। हमारे कपड़ा वपड़ा रखा हुआ है, अभी नहा के इधर से जाएंगे घर की ओर और हमारे दतवन पहले मुंह धो लेते हैं आराम से। इधर से हो चुके हैं नहा धो के रेडी, अब निकलते हैं घर की ओर, कुछ खाना वाना खाते हैं, देखते हैं क्या बनाए सिस्टर आखिर। और हदे साबुन लाते आराम से गिर दिया, गाँव की लाइफ अभी एक अलग ही मजा आ रही है। और इधर से गाँव हमारे इधर खेत जोताई शुरू हो गया है, जो जैसे सक रहा है, कोई ट्रैक्टर से जोताई करवा रहा है तो कोई अपना बैलों से करवा रहा है। हमारा तो इस बार का खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे बैल सब जो है जीजाजी को दे दी है, और जैसे कि पापा तो कर नहीं सकेंगे नहीं क्योंकि उनका हाथ का कलाई जैसे आप लोग जानते हैं तो टूट गया था, तो इसे तोड़ कर नहीं सकेंगे नहीं। अब मम्मी रहती थी तो धन रोपाई करती थी, और सिस्टर का घर का काम करेगी नहीं इधर करेगी, इसीलिए इस बार हम लोग अपना खेती नहीं कर रहे हैं। यहाँ से डिस्कसिंग हो रही है पापा जी का, दीदी को समझा रही है। दीदी घर गई थी प्रेम का घर, तो वहाँ पर गया था, क्या क्या सीन हुआ वहाँ का वही बता रहा है कि ये 5 रुपया समीर को दिए, प्रेम को दिए और दे के आए हैं। और जैसे कि हमारे ब्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं तो कुछ बोला ही नहीं इंट्रो रे। जोहार दोस्तों, मैं सावित्री, हमारे यूट्यूब चैनल डांस सनातन में आप सबका स्वागत है। इधर से सिस्टर दूध गर्म करके रख लिया, और इधर भाई पी लिए, पापा पी लिए, तुम्हारा और शुभम का है। भाई का सब्जी बना रहे, देखो क्या बना रहा है, भांगरा क्या बोलते हैं इसे, बरबट्टी। दूसरा भी कुछ नाम है क्या? हाँ, क्या नाम है, बोधी बोधी का नाम है। तो पापा आज जाएंगे लेने के लिए जो बोले थे आप। हाँ, साइकिल तो पापा बोले थे कि हम बाइक तो इसे चला नहीं सकेंगे नहीं वो सब, तो इसीलिए बोले एक साइकिल ले देंगे। और उनका जो पिछले वाला साइकिल है वो बना बना के परेशान है, तो बोले नहीं एक नया ही साइकिल लेंगे, तो इसीलिए आज जाएंगे हम लोग साइकिल लेने के लिए पापा का। अब देखते हैं कि कौन सा साइकिल लेते हैं। साइकिल चलावे तो हाथ तो ही, बाइक चलावे तो साइकिल चला हाथ तो दर्द नहीं करतो, साइकिल का दूर ना जब हल्का सा जब मोड़ तोड़ जाए तो बुरी बुरी जाएगा। ए भाई दूर जावे तो भाई के ले लेब से साथ में, भाई आए तागो ज्यादा टैंग ले लागो हाथ तो ना आगे से एकदम ऐसे से गाड़ी बंद हो गाड़ी आ जाए। हां कोनो बाप बोलो सब लो एकदम जाले के पूछो। हां बोला बोले गेला मन ता मतलब घर से गाड़ी ले तो हमसे गाड़ी पाई जाए। आई समीर, आई समीर दही खाया। हां दही देके भेजा था हम लोग घर का ये बोतल में, और दूध देके भेजा था, और चप्पल खरीद दिया था तो वो चप्पल छोटा हो गया था, जिसके चलते वो घुमा के ले आना, देखते हैं दूसरा फिर लेके आना पड़ेगा। भी चलिए अभी हम लोग खाना ना खा लेते हैं, क्या बनाएंगे, क्या अभी तो भाई बना रहे उधर से, और चावल तो हो चुका है तो हमारी चलिए चावल खा लेते पहले भी, और फिर निकलेंगे अभी मार्केट। हमारा इधर से हो चुके हैं रेडी और पापा भी इधर हो रहे रेडी। हमारे झरिया का रास्ता इतना ख़राब है, मतलब समझ में नहीं आता यार, उसका नज़र जाता है कि नहीं। BCCL वाला तो पूरा एकदम बर्बाद कर दिया रोड को, अब हेलमेट पहन के घूमो रोड पे सही है, लेकिन हेड में रोड ख़राब है उससे कुछ लेना देना है नहीं। अब रोड ही यदि ख़राब है तो हेलमेट पहनिए, कुछ भी पहनिए, कुछ आपका सेफ्टी काम देगा नहीं। तो वही वाला हो चुकी है झरिया वाला, इतना गड्ढा हो गया जैसे हो गया रोड पर, और इतना मतलब कचरा बोल सकते हैं, गाड़ी किसी का फिसल के एक्सीडेंट अच्छे खासा हो सकता है वहाँ पर, और उसी तरह से पार होना पड़ता है। और झरिया जाने के इधर से हमारे कुछ रास्ता है भी नहीं, आप जाइएगा तो बहुत दूर है, धनबाद हो गया, घूम के मतलब एक राउंड लगा के वहाँ जाइएगा इस तरह से, और देखा जाए क्या होता है, रोड बनती है कि नहीं। अभी चलते हम लोग वैसे करके, अभी निकलना पड़ेगा जैसे तैसा, पिछले बार धनों को लेके गए थे इतना कचड़ा हो गया था क्या ही बोले। तो चलिए, और यार क्या हुआ लोचा, अभी कैमरा हमारा कैनन वाला जो है वो तो वहाँ पर प्रिपेयर हो चुकी है, बन चुकी है, उसके लिए मैसेज आया था हमारे, और हो गया GoPro में लोचा, अभी इसीलिए फ़ोन ही से वीडियो शूट हो रही है, GoPro में भी वीडियो शूट ही नहीं हो रही है इसीलिए। तो फिर चलते हैं हम लोग, धनों निकालते हैं, पापा निकल रहे हैं, और फिर हम लोग चलते हैं धरिया के लिए। फाइनली दोस्तों हम लोग झरिया आ चुके हैं, और पापा इधर साइकिल देख रहे हैं कि देख रहे हैं कौन सा बेस्ट होती है। अभी ये साइकिल जो देख रहे हैं आप लोग, इसी को पापा बोले कि लेंगे एटलास वाला कंपनी वाला,
5 साइकिल तो उसी के ला रहे हैं। अभी यहाँ पर दुकान में है नहीं एक भी, तो वही लेके आ रहे हैं। अभी दिखाते हैं आप लोगों को ब्लॉग में। फाइनली सिलेक्ट हुआ ये साइकिल, बट अभी थोड़ा सा प्राइस के लिए हमारे थोड़े रुकी हुए पेंडिंग में है। देखते हैं कि होता है हमारे उस इन्हें बैठता है तो देखते हैं, नहीं तो आगे बताते हैं आप लोग क्या होता है। हमारे साइकिल की फिटिंग होने शुरू हो चुकी है यहाँ पर, जैसे कि वो थोड़े से डिजाइन सब फूल उल लगाया जा रहा है। एक्स्ट्रा हमारी लग गए यहाँ से एक ताला और एक हो गया आपका घंटी। अब हम सोचे कि उसी से प्राइस में हो जाएगा, बट उसमें इंक्लूड 150 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। मतलब घुमा फिरा के जितना हमारा प्राइस बताया गया है लगभग घीच घाच के वहीं पे चला गया। मतलब अभी कितना प्राइस लिया टोटल अभी घर जाके बताऊंगा। और आप लोग जो मेरे ऐसे दुकानदार जो भी है मेरे व्यूवर में से, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सही हुआ कि प्राइस की कब ज़्यादा लिया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पापा जा रहे टेस्ट राइडिंग करने के लिए, एक बार देख के कि कहीं कुछ ढीला वीला है क्या, तो बोले एक बार चला के देख लीजिए फिर उसको उस तरह से करेंगे। पापा चला के ले आए राइडिंग करके। ओ आराम से आराम से आराम से आ रहे आके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है डे रुको मैं करे बढ़िया ही रहता हूं। की हाल है बोला खरीद बोलडा क्लासिक का नहीं ठीक पापा बोले ठीक सब कुछ फिट है। अब बाकी जो एक्स्ट्रा भी 150 रुपया था उसको भी पे करते हैं और फिर हम लोग अभी निकलते हैं घर की ओर। प्राइस फीस पड़ा हमारी इस तरह से, और हमको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा है ना क्या, नहीं पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ज़्यादा है ना कम है। मुझे उतना साइकिल के बारे में तो पता है नहीं। अभी ले लिए हैं, अब चलते हैं। पापा साइकिल लेके आगे बढ़ गए, हम भी अपना थन्नों को लेते हैं और निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, तो अब देखते हैं कि सब्ज़ी भी कुछ लेना था। पापा इधर सब्ज़ी लेके आ गए हैं, और जैसे कि थैला को हम ले लेते हैं, नहीं तो पापा अभी लेके जाएंगे तो अच्छा खासा दिक्कत होगा। पहली बार इस बार हमें मकई खरीदना पड़ा, नहीं तो हमारे घर में हमेशा मकई होती थी। और मम्मी के रहते हुए, मम्मी तो अभी है नहीं इसीलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी चलिए हमने मकई ले लिया है, पापा अभी आगे से अपना साइकिल लेके निकल गए हैं। अभी चलते हैं, हम ही आगे निकलते हैं और घर जाने के बाद देखते हैं कि घर भाई का कैसा एक्साइटमेंट रहता है। वो भी साइकिल के लिए बोल रहा था जल्दी ले दो इसीलिए। घर तो आ चुके हैं और इधर देख सकते हैं सिस्टर चेक कर रहे हैं मकई लाया है। हाँ? हम थोड़ी लाए हैं, पापा लिए। देखो कैसा चेक करके दिया है बता। ऐसा एक बार हम झरिया में टमाटर लिए थे, देखो दाना ही नहीं है। ऐसे हम टमाटर लिए अच्छा अच्छा चुने और वो पूरा गंदा गंदा खराब खराब सब जो सड़ गया सब घुसा दिया। तो हम थोड़े लिए पापा गए ले लिए, पर ले लिए 2 किलो। ऐसे ही करता सब भगवान सब एकदम ऐसा। ये भी वैसा ही है, ये भी देख। अरे बाबा देख चेक किया किया सब घुसा दिया है। तुम लोग कैसे है जो क्या है, इसीलिए तुम लोग कुछ मत खरीदना, लेना ही नहीं इसमें माल पानी। दोस्तों अभी मैं घर आ चुका हूँ और अभी आके काफ़ी थक चुका था, तो खटिया में आके लेट गया हूँ और सुना रही सिस्टर पापा को, क्योंकि पापा भी आए नहीं है। वो बोलते मकई से भी इतना लिया है, मकई में है ही नहीं, दाना ही नहीं है, झूठी मूठी पापा ले लिए 2 किलो, पैसा बर्बाद हुआ और कुछ नहीं। और 40 रुपया दिया था मैंने तो, पर पैसा मेरे पास है नहीं अवेला जो है, तो पापा ने जाके उसका ले लिया है मकई। मैंने बोला सब्जी कुछ ले लेना, तो रोड में वही मकई मिला लेके चला आया, अभी वही उसमें भी दाना नहीं। अब पापा आ रहे हैं साइकिल से लेके, अभी घर घुसे उसके बाद पापा को पूछते हैं कि उनको कैसा लगा साइकिल वाला गिफ्ट। थोड़ा सा भी आराम करते हैं, तो पापा का वेट करते हैं। तो पिताजी आ चुके हैं अपना साइकिल लेके और पूरा कचरा में भर के। इधर झरिया वाला इतना रोड ख़राब था, इतना रोड खराब था कि का ही बोले जैसे साहब गिर ना जाए कहीं पे। धीरे धीरे धीरे। तो फाइनली पापा आ गए हैं और का लेके आए थे। धीरे धीरे ही लग रहा है साइकिल हो गए रे मेरा। हां मेरा है। मेरा है। तो दोस्तों देखा आपने, फर्स्ट बार पापा ने अपने से कुछ बोला कि हमारे ये साइकिल चाहिए, और इतनी छोटे से यदि हम लोग अपना पापा के इतना कुछ कर नहीं सकते तो हम लोग का ही कर सकते थे। तो ये चीज़ थी, पापा का छोटा सा गिफ्ट देने का प्रयास की हमारी छोटा साइकिल। हिंदी देखी हिंदी देखिए अच्छा लग रहा है लेकिन
तो ये चीज थी कि देखिए आप लोग ने कि इस देखा आप लोग ने पापा का छोटा सपना जो हमने पूरा करने का प्रयास किया और देखिए कैसा है। चलाने सकिएगा ना? इसको ना चला दिक्कत ना है ना? ठीक है, अच्छा से चला लिए। तो ये कोई सीन है जो कि और अब कल होगा साइकिल का हमारा पूजा। ठीक है, आज तो हो गया, कल इसका होगा पूजा साइकिल का हमारा, धो धा के आज रखना पड़ेगा, पूरा कचड़ा कचड़ा लग गया है, देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो एंड करते हैं और देखा आपको पापा पूछते हैं कैसा लगा। कैसा लगा ये साइकिल? खूब बढ़िया लगा, झरिया से चाप के ले आया घर। पापा बोल रहे थे ना कि अब भाई बोला था कि क्या तुमको स्कूटी उटी खरीद दे, बोले चला नहीं सकेगा, तो बोला मेरे लिए साइकिल ही ठीक है। अब उम्र मेरी चली गई, पापा मतलब चला नहीं सके क्योंकि बोले थे आपका पापा का हाथ टूटा हुआ था, कला दोनों हाथ, पहले कौन वाला टूटा था? ये वाला, अब ये वाला, उसके बाद ये वाला, तो उसी की दिक्कत के लिए मैंने बोला करते दोनों हाथ, तो वही चीज थी कि पूरा दिक्कत होगा उसमें क्या, तो पूरे साइकिल हम लेंगे, तो बोले चलिए तब साइकिल ले लेंगे। तो यही चीज थी, सीन थी। और हमारा ब्लॉग कैसा लगता प्लीज कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा। और इसी तरह से हमारे दोनों भाई बहन के डेली रूटीन लाइव ब्लॉग देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल द प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही सुंदर सुंदर ब्लॉग आप लोग को देखने को। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। साढ़े गोरी लगा दी।